एक टेनिस प्लेयर का अपने ब्रदर इन लॉ की फियांसे के साथ ही अफेयर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है मैच पॉइंट, जिसे डायरेक्ट किया है बुडी एलन ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 7.6 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम क्रिस नाम के बंदे को देखते हैं जो हमसे बात करता है और वो कहता है इस वर्ल्ड में लकी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग ज़्यादा लक पर बिलीव नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं। मैच के बीच में एक पॉइंट आता है जब बॉल नेट से टकराती है, एक तो वो आगे जा सकती है तब आप जीत जाते हो, या तो वो पीछे आ सकती है तब आप हार जाते हो। ये सारी चीज़ें लक पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद हमारी आगे की मूवी स्टार्ट होती है। क्रिस एक सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर था, उसे अलग अलग जगह पर टूर के लिए जाना पड़ता था, ये लाइफ उसे अच्छी नहीं लगती। अब वो डिसाइड करता है वो टेनिस इंस्ट्रक्टर बनेगा। लंदन में आकर उसे जॉब मिल जाता है। फिर उसे एक बहुत ही रिच स्टूडेंट मिला जिसका नाम टॉम होता है। इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। एक दिन जब ये बात कर रहे थे तब टॉम कहता है मुझे ओपेरा देखना बहुत अच्छा लगता है, मेरे साथ कोई चले ऐसा कोई भी नहीं। क्रिस ने कहा मुझे भी ओपेरा देखना अच्छा लगता है। इस बात से इन दोनों की बॉन्डिंग हुई और फिर टॉम क्रिस को ओपेरा देखने के लिए इनवाइट करता है। ये दोनों जब वहाँ पर पहुँचे तब टॉम की पूरी फैमिली वहाँ पर थी, उसके मदर फादर और उसकी एक सिस्टर। उसकी सिस्टर का नाम क्लॉय होता है। क्लॉय को क्रिस फर्स्ट टाइम देखते हुए ही अच्छा लगा। अगले दिन जब टॉम क्रिस फोन पर बात कर रहे थे तब टॉम कहता है मेरी सिस्टर को तुम अच्छे लगे, उसने वीकेंड पर तुम्हें पेरेंट्स से मिलने के लिए बुलाया हुआ है। क्रिस फिर चला जाता है। टॉम और क्रिस जब टेनिस खेल रहे थे जिसे देखकर क्लॉय भी इंटरेस्टेड हो जाती है। क्रिस उसे खेलना सिखाता है। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। फिर क्लॉय को पता चला क्रिस बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और वो मेहनत करके एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बन गया। क्लॉय को ये सब बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं। उसने फिर उसे एक आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए बुलाया। घर में क्रिस नोला नाम की बंदी को नोटिस करता है। नोला उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। टेबल टेनिस में नोला को कोई भी हरा नहीं रहा था। क्रिस उसके साथ खेलता है और उसे हरा देता है। नोला भी उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारा गेम बहुत ही अग्रेसिव है। क्रिस कहता है क्या कभी तुम्हें किसी ने कहा है तुम्हारे लिप्स बहुत ही सेंसुअसनल हैं? यही बातें चल रही थी तब यहाँ पर टॉम पहुँच जाता है। टॉम नोला को क्रिस से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है नोला मेरी फियांसे है। नोला एक्चुअल में स्ट्रगलिंग एक्टर थी। टॉम की मदर को नोला का ये प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता लेकिन टॉम नोला से बहुत प्यार करता है। आजकल क्रिस के पास बहुत सारा टाइम होता है, क्रिस के पास ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं है। क्लॉय को ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो क्रिस को हेल्प करना चाहती थी इसलिए उसने अपने फादर से बात की अगर उनकी कंपनी में कोई पोजीशन हो तो क्रिस ये ले सकता है। फादर ने हाँ कहा तो क्लॉय इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। क्रिस को ये ज़रा ऑकवर्ड लगा। उसने कहा मुझे बिजनेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं ये ठीक से नहीं कर पाऊँगा। क्लॉय कहती है सिर्फ तुम जाकर देखो, स्लोली स्लोली सारा ऑफिस तुम रन करोगे। आज रात क्रिस और क्लॉय नोला और टॉम के साथ डिनर कर रहे थे। क्रिस नोला के बारे में और भी जानना चाहता था। उसकी मूवीज़ के बारे में क्रिस ने उससे पूछा। नोला कहती है मुझे सिर्फ एक ही कमर्शियल मिला था, उसके बाद उसे ज़्यादा चांस नहीं मिले। आजकल वो सोच रही है उसे एक्टिंग का करियर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस ने क्लॉय के फादर के यहाँ का जॉब ले लिया। एक दिन ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे। क्रिस क्लॉय को सॉन्ग की सीडी देता है। उनका प्लान था इसे सुनेंगे और घर पर ही डिनर करेंगे। क्लॉय कहती है आज रात नोला और टॉम ने हमें डिनर के लिए बुलाया हुआ था, उसने उन्हें मना कर दिया है। ये बात सुनकर क्रिस क्लॉय से कहता है हमें उनके साथ डिनर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि क्रिस क्लियरली नोला में इंटरेस्टेड था। ये डिनर के लिए गए लेकिन आज रात नोला इनके साथ नहीं गई, उसका ऑडिशन था तो इसके लिए वो नर्वस थी। अगले दिन स्ट्रीट से गुजरते हुए क्रिस नोला से मिला। वो बहुत ही टेंशन में थी, अब उसका ऑडिशन है और वो डर रही थी। क्रिस ने उसे सहारा दिया। जहाँ पर उसका ऑडिशन था वो उसके साथ गया। नोला के ये ऑडिशन सही नहीं जाता, उसे काम डाउन होने के लिए एक ड्रिंक की ज़रूरत थी। फिर ये दोनों ड्रिंक करने के लिए एक जगह पर आए। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है नोला के फादर बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। उसे लाइफ में सक्सेसफुल होना है इसलिए एक्ट्रेस बनना उसका ड्रीम था। क्रिस नोला से उसके और टॉम के रिलेशन के बारे में पूछता है। नोला कहती है हम दोनों एक पार्टी में मिले थे, टॉम को मैं बहुत अच्छी लगी, वो हमेशा मुझे गिफ्ट भेजता था, मुझे उसने बहुत सारा अटेंशन दिया और फिर मुझे प्रपोज कर दिया। नोला फ्रस्ट्रेटेड थी,
टॉम की मदर को नोला अच्छी नहीं लगती, इसलिए नोला को बहुत बुरा लगता है। क्रिश ने कहा कि शायद उसे भी मैं अच्छा नहीं लगता। नोला कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो तुम्हारी और क्लॉय की शादी हो इसके लिए रेडी हो रहे हैं। एक्चुअल में क्लॉय का एक बहुत ही घटिया बॉयफ्रेंड था, इसके कंपैरिजन में तुम बहुत ही अच्छे हो, बस अब इसके बाद कोई गड़बड़ मत करना। क्रिश पूछता है कैसे। नोला ने कहा मेरे साथ अफेयर करके। इसके बाद हम देखते हैं वीकेंड के लिए दोनों टॉम की फैमिली के साथ थे। यहीं पर टॉम की मदर और नोला के बीच में झगड़ा हो जाता है। नोला एक्ट्रेस है, इसी बात पर इनके बीच में झगड़ा था। इस झगड़े के बाद नोला बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। बाहर बारिश हो रही थी और ऐसे ही वो घर से बाहर निकल जाती है। क्रिश ने ये देखा और वो उसके पीछे आता है, वो उसके पास आ गया। नोला कहती है ये अच्छा आइडिया नहीं है, हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। इन दोनों ने किस कर लिया और यहीं पर ये इंटीमेट हो जाते हैं। इस दिन के बाद नोला क्रिश को इग्नोर कर रही थी। एक दिन क्रिश नोला से बात करता है। नोला कहती है हम दोनों किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। इसके बाद क्रिश ने डायरेक्टली क्लॉय के साथ शादी कर ली। फिर ये एक ब्यूटीफुल सा घर देखने के लिए आए हुए थे। क्रिश कहता है शायद हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लॉय कहती है मेरे फादर हमें हेल्प करेंगे। इसके बाद थोड़े दिन गुजर गए। क्रिश और टॉम जब टेनिस खेल रहे थे तब क्रिश को पता चला टॉम ने नोला को छोड़ दिया। ये उसकी मदर की वजह से था, उसकी मदर चाहती उनकी एक दूर की कजन है टॉम के साथ उसकी शादी हो। क्रिश ने फिर नोला को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। आजकल क्लॉय और क्रिश प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअल में क्लॉय को जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होकर अपनी फैमिली स्टार्ट करनी थी। क्रिश को ये सही नहीं लगता लेकिन क्लॉय के लिए वो मान जाता है। इसके बाद टॉम और उसकी कजन के साथ शादी हुई। एक दिन क्लॉय अपनी फ्रेंड के साथ एक आर्ट गैलरी में आई हुई थी। क्रिश को ऑफिस में याद आया, उसे क्लॉय से मिलना था। जब वो आर्ट गैलरी में जा रहा था तब वो नोला से मिलता है। नोला कुछ दिनों के लिए इस टाउन से चली गई थी पर अब वो वापस आ चुकी थी। क्रिश उससे पूछता है तुम कहाँ रहती हो, क्या हम मिल सकते हैं। नोला ने कहा तुम्हारी शादी हो चुकी है, इन सब बातों का पॉइंट क्या है। तभी यहाँ पर क्लॉय आ गई। वो नोला से उसका हालचाल पूछती है, उससे बात करना जरा ऑकवर्ड था इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। क्रिश नोला से कहता है प्लीज मुझे तुम्हारा नंबर बता दो। नोला सोच रही थी तभी उसने नंबर बता दिया। इसके बाद एक दिन ये दोनों डायरेक्टली इंटीमेट हो गए। हमेशा क्रिश नोला के घर पर आता था। नोला की नेबर एक ओल्ड वूमेन थी, क्रिश उसे भी जानने लग गया था। एक दिन क्रिश और क्लॉय जब टॉम के साथ डिनर कर रहे थे तभी क्रिश का फ्रेंड उसे मिलता है। उसने कहा एक स्ट्रीट पर मैंने तुम्हें चलते हुए देखा था, मैं तुम्हें आवाज लगा रहा था। ये जो स्ट्रीट थी ये नोला के घर के पास ही है। क्रिश फिर कहता है वो मैं नहीं था, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, लेकिन उसका फ्रेंड श्योर था। क्लॉय इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, इस वजह से क्रिश को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। अब बहुत सारे दिन हो चुके थे, नोला और क्रिश अब भी मिल रहे थे। क्रिश ने नोला से कहा वो अपनी मैरिज में खुश नहीं है, वो क्लॉय को छोड़ देगा, लेकिन अब तक उसने नहीं छोड़ा। क्लॉय को इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं था। नोला क्रिश पर बहुत चिढ़ गई थी। क्रिश कहता है मैं जल्द से जल्द बता दूंगा। वो फिर 3 दिनों के लिए पूरी फैमिली के साथ वीकेंड पर गया। यहीं पर नोला का उसे कॉल आ जाता है। वो बहुत ही डिस्टर्ब थी, वो चाहती थी क्रिश अभी के अभी उसे मिले। क्रिश ने काम का बहाना बनाने की कोशिश की लेकिन क्लॉय नहीं मानती। क्रिश को यहीं पर रुकना पड़ता है। रात में नोला ने फिर से क्रिश को कॉल किया। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसे क्रिश की जरूरत है। क्रिश फिर अगले दिन उससे मिल जाता है। ये केयरफुल नहीं थे, इसी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई। नोला ने उसे समझाया हमारे लिए एक और चांस है, तुम क्लॉय को डिवोर्स दे दो और हम हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्रिश बहुत ही टेंशन में आ गया। ये बात क्लॉय नोटिस करती है, उसे लगा वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, शायद इसी वजह से क्रिश इस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्रिश उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर उसने उसे गले लगा लिया। इसके बाद हम देखते हैं क्रिश अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, जो भी उसकी लाइफ में चल रहा था ये सब कुछ उसने उसे बता दिया। वो कहता है क्लॉय के साथ उसकी जो भी मैरिज है इसे वो इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। उसके पास एक बड़ा सा जॉब है, जॉब के साथ उसे एक बड़ा सा प्रमोशन भी मिला है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही बढ़ चुका है, ये सारी चीजें वो नहीं छोड़ सकता। एक तरफ नोला है जिसे वो बहुत ही अट्रैक्टेड है। अब क्रिश ने नोला को अवॉइड करने के लिए कहा एक मंथ के लिए हम पूरी फैमिली वैकेशन पर जा रहे हैं, हम जब वापस आएंगे तब मैं क्लॉय को सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन ये वैकेशन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था। एक दिन जब क्लॉय के फादर इन्हें मिलने के लिए आए हुए थे तब क्रिश को एक बड़ा सा प्रमोशन दे दिया जाता है। नोला ने क्रिश को कॉल करने का बहुत ट्राई किया लेकिन वो इग्नोर कर रहा था। एक दिन वो चेक करने के लिए क्रिश के ऑफिस के बाहर आ गई।
क्रिस को बाहर आता देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई। क्रिस कहता है, हम जल्दी आ गए थे, आज मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अगर तुम तुम्हारी वाइफ से बात नहीं कर सकते तो मैं ही उसे सब कुछ बता देती हूँ। क्रिस अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में था। रात में उसे नींद भी नहीं आती। उसके फादर इन लॉ हमेशा हंटिंग करते हैं। बहुत सारी गन उनके पास पड़ी हुई थी। एक दिन क्रिस जाकर ये गन चोरी कर लेता है। रात में जब क्लॉय और क्रिस एक साथ थे तब क्लॉय की एक चीज क्रिस के बैग में थी। उसने बैग खोली लेकिन क्रिस जल्दी से उससे बैग ले लेता है। उसमें गन थी। वो कहता है, कल हम दोनों एक प्ले देखने के लिए जाएंगे। क्लॉय फिर एक्साइटेड हो गई। अगले दिन क्रिस ने नोला को कॉल लगाया। उसने कहा, मैंने क्लॉय को सारी बात बता दी है, शाम 7 बजे तुम्हारे घर पर हम मिलते हैं। क्रिस अगले दिन 1 घंटे पहले नोला के घर पर पहुंच गया। नोला की नेवर एक ओल्ड वूमेन थी। उसका डोर वो नॉक करता है। उसने कहा, हमारी केबल नहीं चल रही, मुझे ये सिर्फ पता करना था कि आपकी चल रही है। घर में आने के बाद उसने गन को रेडी किया। इस ओल्ड लेडी को वो मार देता है। उसके अपार्टमेंट की सारी चीजें उसने तहस नहस कर दी। इस ओल्ड वुमेन की ज्वेलरी भी उसने ले ली ताकि पुलिस को लगे यहाँ पर चोरी करने के लिए कोई आया था। क्रिस घर में ही था तभी ओल्ड वुमेन से मिलने के लिए एक आदमी आता है। क्रिस डोर ओपन नहीं करता। तब थोड़ी देर में वो वहाँ से चला जाता है। 7 बजने पर नोला घर पर आती है। वो लिफ्ट से निकली तभी क्रिस उसे शूट कर देता है। वो बहुत ही डर गया था और वैसे ही क्लॉय के साथ प्ले देखने के लिए आ गया। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं, क्राइम सीन पर पुलिस पहुंच जाती है। उन्हें लगता है ये रॉबरी थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में क्लॉय को इसके बारे में पता चलता है। सारी फैमिली को नोला के लिए बहुत बुरा लगा था। क्रिस फिर एक दिन अपने फादर इन लॉ की गन उनके घर पर रख कर आता है। अब क्लॉय भी प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं, अचानक से उसके ऑफिस में पुलिस का कॉल आया था। वो उससे बात करना चाहते थे। क्रिस के पास ओल्ड वुमेन की जो भी ज्वेलरी थी ये उसने सारी नदी में फेंक दी। उसमें से एक रिंग टकराकर पीछे ही गिर गई। इसके बाद क्रिस पुलिस से मिलने के लिए आया। पुलिस उससे पूछती है, तुम्हारे और नोला के बीच में क्या रिलेशन था? क्रिस कहता है, वो मेरे ब्रदर इन लॉ की फियांसे थी, हम दोनों में कुछ भी नहीं था। पुलिस ने फिर नोला की डायरी निकाली। उन्हें नोला और क्रिस के बारे में सब कुछ पता था। क्रिस डर गया। वो कहता है, हम दोनों में अफेयर था, पर आपको मैं डायरेक्टली ये बात नहीं बता सकता था। मैं मेरी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, वो सिर्फ मेरी गलती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नोला का मर्डर किया है। अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो प्लीज बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। आपके इस डाउट की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। प्लीज इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। क्रिस के जाने के बाद पुलिस ने उसके बारे में डिस्कस किया। एक को लगता है कि शायद क्रिस गिल्टी है, लेकिन दूसरे को लगता है कि ये ड्रग्स के रिलेटेड क्राइम था। रात में क्रिस को नोला उसके सामने दिख रही थी। नोला कहती है, मेरे साथ ये सब करके तुम्हें कैसे जी सकते हो? क्रिस कहता है, अगर मैं गिल्ट के साथ जीऊं तो जी नहीं पाऊंगा, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी क्रिस को अपने सामने ओल्ड लेडी भी दिखने लग गई। वो कहती है, मेरी क्या गलती थी, तुमने मुझे क्यों मारा? क्रिस ने कहा, मेरे गोल तक पहुंचने के लिए तुम एक सिर्फ जरिया थी। तब ओल्ड लेडी ने कहा, इसमें तुम्हारा बेटा भी था, तुमने अपने चाइल्ड को भी मार डाला। क्रिस को बहुत बुरा लगता है। एक डिटेक्टिव ने सारे केस को फिगर आउट कर लिया था। उसे लगता है 100% क्रिस ने ही ये क्राइम किया है। दूसरा कहता है, उस ओल्ड लेडी की रिंग एक ड्रग एडिक्ट के पास हमें मिली है, उसे हमने रेस्ट कर लिया है। क्रिस ने कुछ भी नहीं किया है। हमने पीछे देखा, जब क्रिस ने ज्वेलरी फेंकी तब एक रिंग पीछे ही गिर गई। ये रिंग एक ड्रग एडिक्ट ने उठा ली, वही इस केस में फ्रेम हो चुका था। क्रिस बच जाता है। मूवी के फर्स्ट सीन में क्रिस ने हमसे कहा था, लाइफ में लक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ये लक नहीं होता तो वो आज बच नहीं पाता। उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया। इस गिल्ट के साथ उसे पूरी लाइफ जीना पड़ेगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।